Assalamualaikum. Welcome to the Sehat Channel. This is Clinical Dietitian Rida Noman. आज हम बात करेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और इसे डाइट से कैसे मैनेज किया जा सकता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियास से रिलीज होता है। ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। अगर हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हों तो इंसुलिन के लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से भी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं, जो अल्टीमेटली बॉडी में इंसुलिन लेवल्स इंक्रीज़ करते हैं। तो कोशिश करें स्ट्रेस से बचें। अब बात करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के सिम्टम्स पर, जिसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, थकावट, बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स की क्रेविंग होना और ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगना शामिल हैं। अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूं, अगर आप हेल्थ मैगजीन्स पढ़ने के शौकीन हैं तो आज ही अपना नाम और शहर का नाम लिखकर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने हमारा मॉलेज मैगजीन अपने फ़ोन्स पर पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अब बात करते हैं डाइट प्लान के हवाले से, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज करने में मदद करे। ऐसे पेशेंट सुबह नाश्ते में 1 से 2 एग्स ब्राउन ब्रेड के साथ ले सकते हैं। लंच में सब्ज़ी जैसे कि लौकी, भिंडी या कोई और सब्ज़ी लें। इसकी क्वांटिटी को इस तरह से मेजर करें कि 1 कप रॉ यानी कि कच्ची वेजिटेबल्स हों। इसके साथ होल व्हीट आटा इस्तेमाल करें रोटी के लिए। डिनर में चिकन को बारबेक्यू फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि रोटी के लिए सिर्फ लाल आटा इस्तेमाल किया जाए और वाइट आटा अवॉइड किया जाए। फ्रूट्स में दिन में 1 फ्रूट ले सकते हैं, जैसे कि एप्पल, आड़ू या अमरूद। शुगरी फूड्स स्पेशली बेकरी आइटम्स अवॉइड करें और सबसे अहम बात, खाना वक्त पर खाएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आप अपने सवालात और राय से हमें कमेंट्स बॉक्स में आगाह कर सकते हैं। शुक्रिया।